बड़ा सवाल यही है कि युद्ध की विभीषिका के बीच भारत लौटे स्टूडेंट्स के भविष्य और करियर का आखिर क्या होगा। राजस्थान के 1000 से ज्यादा छात्र MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। युद्ध के बीच कोई इन छात्रों को तो MBBS की पढ़ाई छोड़कर वापस लौटना पड़ा है। सवाल यह है आखिर इन छात्रों का भविष्य क्या होगा, क्या इन छात्रों की पढ़ाई पूरी हो पाएगी, क्या छात्रों का करियर अधर में लटक जाएगा। आखिर राजस्थान सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन से लौटे छात्रों के भविष्य को लेकर भारत सरकार से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत लौटने से लेकर उनके आवास तक पहुंचाने में मैं उन्हें कोई कठिनाई नहीं होने दूंगा, साथ ही उनके आगामी शिक्षा को लेकर भी पूरी सहायता दी जाएगी। जल्दी स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा कर भारत सरकार से इस बारे में बात की जाएगी। तो क्या सरकार का प्लान है आगे और जनता का मुद्दा आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि यूक्रेन में कई सारे छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें लाया तो जा रहा है लेकिन उनकी पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि उनका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा और क्या वो फिर से यूक्रेन जा पाएंगे, क्या वो अपनी जो MBBS की डिग्री है ले पाएंगे। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार क्या करेगी, कैसे इनका कोर्स कंप्लीट होगा, इसको लेकर क्या आगे प्लान होगी, क्या नीति होगी, इसको लेकर आखिर उनके भविष्य को लेकर क्या रणनीति तैयार की जाएगी, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि जो यूक्रेन में हालात हैं वो बेहद ख़राब हैं और इसीलिए वहाँ से छात्र लगातार आ रहे हैं। 1000 छात्रों के फंसे होने की बात भी सामने आ रही थी, सरकार ने डेटा भी बताया था, यही आंकड़े बताए थे 1000, लेकिन अब लगातार जो छात्र हैं वो लगातार आ रहे हैं, प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, हर रोज छात्र पहुँच रहे हैं राजस्थान। तो यूक्रेन से स्टूडेंट्स का भारत आने का सिलसिला जारी है। राजस्थान के भी 532 नागरिक 23 फरवरी से अब तक राजस्थान लौट चुके हैं। जी मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने कहा कि राजस्थान सरकार न केवल छात्रों की किराया राशि का पुनर्भरण कर रही है, साथ ही उनके भावी शैक्षणिक भविष्य को लेकर भी गंभीर है। प्रत्येक राजस्थानी को वापस लाने की जिम्मेदारी उठाई गई है। शिक्षा मंत्री BD कल्ला कहते हैं कि जो भविष्य है वो संवारा जाएगा। और क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता अंकित तिवारी से खास बातचीत की। हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला हैं। बड़ी संख्या में छात्र अभी भी फंसे हुए, चिंता है, सरकार के आप मुख्य चेहरे हैं, किस तरीके की कोशिश राजस्थान सरकार की होती हुई दिखाई दे रही है? जब से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे 3 मंत्रियों को, ममता भूपेश, टीकाराम जी जूली और सुभाष गर्ग जी को वहाँ पर डिप्यूट कर रखा है, और राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से धीरज श्रीवास्तव जी वहाँ दिन रात लगे हुए हैं। अब तक लगभग 500 लोगों को यहाँ पे राजस्थान लाया जा चुका है और आगे भी खारकीव और अन्य स्थानों पर जो रूस के बॉर्डर के ऊपर लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए बराबर कोशिश जारी है। जो लड़ाई चल रही है उसमें हमारे लोग जो फंस गए हैं उनको निकालना हमारा फ़र्ज है, और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस फर्ज को निभाने में कहीं कोर कसर नहीं रखेगी। अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको वहाँ से कैसे लाया जाए। बीकानेर सहित सभी जिलों के, खासतौर पर सीकर, गंगानगर, जयपुर, भरतपुर सहित तमाम क्षेत्र के स्टूडेंट्स वहां पर हैं। एक बड़ी चिंता और है, चूंकि आप शिक्षा मंत्री हैं इसलिए सवाल आपसे बनता भी है कि उनके भविष्य का क्या होगा। वो 4th, 3rd, last ऐसे सेमेस्टर में पढ़ रहे थे। भारत सरकार के सामने संभवतः राज्य सरकार को भी पक्ष रखना चाहिए कि उनके शिक्षण की व्यवस्था यहाँ हो, क्योंकि वहाँ के हालात अब ज़्यादा बेहतर नहीं है। भावी शिक्षा व्यवस्था क्या रहेगी उस पर आप किस तरीके से आगे रुख रहेगा? देखिए, इसके बारे में कौन कौन सी क्लासेस के कौन कौन से विद्यार्थी, इन सब बात के बारे में पूरी गणना करने के बाद में निश्चित रूप से जो भी बन सकेगा हम लोग जैसे अभी वर्तमान में अपना सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी उनके भविष्य के बारे में भारत सरकार के साथ बातचीत करके जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें उनकी मदद करेंगे।
तो वतन वापसी का सिलसिला यूक्रेन से भारतीयों और राजस्थानियों का जारी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र वहां फंसे हुए हैं। साथ ही जो छात्र आ चुके हैं उनके भावी भविष्य को लेकर भी एक चिंता की लकीर बनी हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने आश्वस्त किया है कि राजस्थान सरकार सभी सहयोगी कदम उठा रही है उन्हें वापस लाने के साथ साथ आने वाले दिनों में शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर भी भारत सरकार से लगातार बातचीत जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण सोनी के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। तो छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। हमने बी डी कल्ला को सुना, उन्होंने कहा है कि सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल खराब ना हो, इसको लेकर सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका आने वाला जो कल हो सुरक्षित हो और जो उनकी पढ़ाई है वो भी आगे अनवरत जारी रहे, इसके भी प्रयास किए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव जुड़ रहे हैं। उपेन जी, अभी छात्रों के आने का सिलसिला तो जारी है, इस बीच एक और चिंता सता रही है कि उनके भविष्य का क्या होगा, उनकी पढ़ाई आगे कैसे होगी, इसको लेकर आप क्या राय देंगे? देखो, देश और प्रदेश के सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, एक माननीय पहल है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो उन्होंने बड़ी फीस के रूप में वहाँ आर्थिक भार इन्होंने चुकाया है, वहाँ फीस दी है, वहाँ छोड़ के आए हैं, तो इनका भविष्य एक तरह से अंधकार में जा चुका है। तो राज्य सरकारों को इनके लिए जो वहाँ स्टडी कर रहे हैं तो इनके लिए यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए कि ये कोर्स यहाँ राजस्थान में या देश में करवाना चाहिए, इनको ये पहल करनी चाहिए। आज बेरोजगार वहाँ युवा वहाँ से बचकर तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ में जो उनकी तपस्या, जो उनका जो उन्होंने वहाँ कई साल गुजारे हैं, वहाँ स्टडी की है और वो बीच में छोड़ के आ रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को यहाँ कोर्स जो वहाँ करे थे वो उपलब्ध कराने होंगे और जो आर्थिक जो नुकसान है उसका भरपाई करना चाहिए, क्योंकि तभी ही कहा जाएगा कि अच्छा सरकारों का निर्णय फोटो खिंचवाने से या गुलदस्ता देने से या ये करने से इनका भविष्य नहीं बनेगा। भविष्य बनाने के लिए पॉलिसी बनानी होगी कि हाँ, हम इनको जो उनके कोर्स बाहर करवाए जाते हैं यहाँ समायोजित करेंगे, यहाँ देश और प्रदेश से इनको कोर्स करवाकर इनका भविष्य बनाने का काम सरकार एक पहल अच्छा कदम उठाएंगे, ये सरकारों को करना चाहिए। जी, इसको लेकर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने भी उपेन जी कह दिया है कि वो भारत सरकार से समन्वय स्थापित करके इस दिशा में आगे प्रयास करेंगे। बिल्कुल ऐसा कहा है उन्होंने, तो अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कहने में और धरातल पे करने में अंतर है। इसलिए खुद जिस प्रकार मंत्री कहाँ जाते हैं, जैसे यहाँ की ऊर्जा का कई मामले होते तो मंत्री वहाँ केंद्र सरकार में जाते हैं, तो यहाँ राज्य सरकार के मंत्रियों को वहाँ केंद्र में जाकर बात करनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के जो युवा बेरोजगार है वहां से लौटे हैं, वो आर्थिक और मानसिक स्थिति से परेशान है, तो समस्या का निस्तारण होना चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अचानक एक आपदा कह सकते हैं, अचानक युद्ध हुआ है, अचानक इनके ऊपर एक आपदा ही है, तो बेरोजगार जो युवा है जो आर्थिक और मानसिक स्थिति से परेशान है, तो इनको राहत मिलनी चाहिए, ये राज्य सरकार से मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय देने के लिए उपेन जी आपका। तो उपेन जी कह रहे हैं एक रास्ता कम से कम खुलना चाहिए, एक नीति, एक रणनीति ऐसी बनानी होगी, एक योजना, एक प्लान ऐसा तैयार करना होगा जिससे आने वाला जो भविष्य है इन छात्रों का बिगड़े नहीं बल्कि संवरे। और इस वक्त हमारे संवाददाता अंकित तिवारी भी जुड़ रहे हैं जो शिक्षा मंत्री से भी इस मसले पर बातचीत कर चुके हैं। और अंकित, आपने बातचीत की है और शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि ज़रूर इस दिशा में सरकार कार्य करेगी, बताइए आंकड़े क्या कहते हैं, ऐसी चुनौतियां आगे क्या रहने वाली हैं सरकार के लिए? देखिए, क्रमबद्ध रूप से बात करें तो करीब 18,000 स्टूडेंट फिलहाल MBBS की पढ़ाई यूक्रेन, रशिया आदि देशों में कर रहे हैं। इनमें 1200 से 1250 स्टूडेंट राजस्थान के हैं, आंकड़ा अंतिम अभी आना बाकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत सरकार के सामने एक यक्ष प्रश्न आगे आने वाले भविष्य के लिए भी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट जब बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक तौर पर है। यहाँ पर पढ़ाई 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक में बच्चों की हो पाती है MBBS की, और विदेश की अगर यूक्रेन, रशिया, चाइना की अगर हम बात करें तो 20 से 30 लाख रुपए के बीच में उनका पूरा कोर्स हो जाता है। एक बड़ा कारण है कि यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण ये कि जो नीट परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं उन्हें भारत की कॉलेजों में एडमिशन मिलता है, और जो केवल उस परीक्षा को पास कर लेते हैं वो विदेश में एडमिशन लेने की अर्हता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में जो बिचौलिए हैं, जो शिक्षा को व्यवसाय के तौर पर देख रहे हैं, वो इन बच्चों को बाहर भेज
भेजने का काम करते हैं। हालांकि इनकी कॉलेज मान्यता यहाँ वापस आकर उन्हें परीक्षा देनी होती है और करीब 15 लाख ऐसे बच्चे हैं जो भारत में हर वर्ष नीट की परीक्षा देते हैं। इनमें से 85,000 से अधिक सीटें करीब अब बढ़कर, क्योंकि राज्य सरकारें भी लगातार दबाव बनाकर नए मेडिकल कॉलेज खोल रही हैं, राजस्थान में भी प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा राज्य सरकार की है, तो ऐसे में करीब 1 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें एडमिशन सालाना MBBS के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती है संख्या भी बढ़ाई जाए, जो राशि है उसे थोड़ा सा कम रहे तो बच्चों पर आर्थिक भार भी कम पड़े। और बड़ी चुनौती अब इस वक्त युद्ध की विभीषिका, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, उनमें सबसे बड़ी ये चिंता है कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे ऑलरेडी, जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ था, उन्हें भारत में एडजस्ट कैसे किया जाएगा। एक विशेष कमेटी अभी से गठित कर देनी चाहिए भारत सरकार को, जिनमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हो, उच्च अधिकारी हो, मेडिकल सचिव जिनमें मौजूद रहे। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस दिशा में जरूर सरकार कुछ प्रयास करेगी और जिस विभीषिका से ये छात्र गुजर रहे हैं, आने वाला कल उनका संवर जाए। आज जिस तरीके से हालात, युद्ध के हालात पैदा हुए हैं यूक्रेन में, जहां से छात्र लगातार प्लान कर रहे हैं, अपने स्वदेश लौट रहे हैं, अब जब यहां आ रहे हैं तो उनके जो भविष्य है, उनका जो, उनकी जो पढ़ाई है, उसको भी संवारने की कोशिश सरकार ज़रूर करेगी।